To sound fluent in English, we have some patterns. Sometimes the long way to speak and sometimes shortcuts. So here I am with some brief patterns to make your English more effective. Let's see that. The first one is there is. जब आपको ऐसे कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, so we usually say there is no problem, there is no doubt, there is no issue. अब आप इसको शॉर्ट वे में भी बोल सकते हैं. यू कैन सिंपली से नो प्रॉब्लम, नो डाउट या नो इशू. नेक्स्ट वन इज डू यू हैव. यूजुअली हम ऐसे कहते हैं क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव अ पेन. क्या आपके पास पेंसिल है, डू यू हैव पेंसिल. अब शॉर्ट वे में आप इसको बोल सकते हैं गॉट अ. हिंदी में बोलते हैं पेन है, सो यू कैन से गॉट अ पेन. वॉच है, गॉट अ वॉच. एक्स्ट्रा पेंसिल है, गॉट अ स्पेयर पेंसिल. लेट्स सी द अनदर वन, दैट इज आर यू गोइंग. हिंदी में हम बोलते हैं क्या आप बाहर जा रहे हो, आर यू गोइंग आउट. क्या आप मार्केट जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट. अब आप इसको शॉर्ट वे में ऐसे बोलते हैं बाहर जा रहा है, मार्केट जा रहा है. सो यू कैन सिंपली से गोइंग आउट, गोइंग टू मार्केट या गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जा रहा है. Another one is, are you dash something? हिंदी में कहते हैं क्या आप कुछ कर रहे हो, so you will say, are you doing something? क्या आप कुछ बोल रहे हो, are you saying something? But हिंदी में हम usually ऐसे बोलते नहीं हैं, बहुत short ways apply करते हैं. हिंदी में हम कहते हैं कुछ कर रहा है, so you will say, doing something? कुछ सोच रहा है, thinking something? कुछ कह रहा है, so you will say, saying something? The another one is, I am not able to. जब आपको ये कहना है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, so you will say, I am not able to, and then we will use first form of verb. इसके बाद हमेशा first form आएगी. So you will say, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, I am not able to write. मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, I am not able to speak. Short form में बोल सकते हैं can't. You will say, सो नहीं पा रहा हूँ, can't sleep. लिख नहीं पा रहा हूँ, can't write. अगर आपके पैर में चोट लग गई है और आपसे चला नहीं जा रहा, so you can say can't walk or can't understand. समझ नहीं पा रहा हूँ. The another one, do you need? हिंदी में बोलते हैं क्या आपको कोई help चाहिए, do you need any help? क्या आपको कुछ चाहिए, do you need something? But यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं need any help, मदद चाहिए, और कुछ चाहिए, need something. Lift चाहिए, need a lift. पैसे चाहिए, need money. Moving to next, do you want to, and then we use first form. For example, अगर आपको कहना है क्या आप पढ़ना चाहते हो, do you want to study. क्या आप खेलना चाहते हो, do you want to play. क्या आप लिखना चाहते हो, do you want to write. But हिंदी में हम ऐसे पूरा नहीं बोलते हैं, हम simply बोलते हैं पढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है, लिखना चाहता है. सो यू कैन से वॉन्ट टू रीड, वॉन्ट टू प्ले, वॉन्ट टू गो होम, घर जाना चाहता है. आई होप यू विल यूज दीज ब्रीफ पैटर्न्स टू मेक योर इंग्लिश मोर इफेक्टिव. टिल देन स्टे कनेक्टेड.